क्रोम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो अनसेफ रहेंगे आप। ये बोले ना 200 रुपये वाला क्लास वाला जाके कोई एप्लीकेशन पे 150 में खरीदा था, उसका बैंक बैलेंस से खाली कर दिया। हम लोग के पास रजिस्टर रहता है, ईमेल आईडी सब चीज, लेकिन आपका एटीएम ऐप पर क्लास नहीं चल रहा है, वेबसाइट पर चल रहा है। बताओ तो तुम एप्लीकेशन पे बबनी मैसेज कैसे कर रही हो? जब नहीं चल रहा है तो मैसेज कैसे कर रही हो? कुछ बैचेज है जो केवल वेबसाइट के लिए है, जैसे अगर वेबसाइट एक्चुअली उनके लिए जो लैपटॉप पे चलाते हैं, लैपटॉप थोड़ा सा प्रीमियम बच्चों के पास होता है। ऐप पे नहीं, लैपटॉप में आप एप्लीकेशन क्यों चलाइएगा? वेबसाइट से चलाइए, लैपटॉप पे चलाना है तो क्यों चलेगा वो लैपटॉप पे, आप बताइए। लैपटॉप के लिए बनाया गया है एंड्रॉइड, सॉरी मोबाइल के लिए बनाया गया है एंड्रॉइड, और लैपटॉप के लिए बनाया गया है वेबसाइट। आप उसमें वेबसाइट पे चलिए, इस पे एप्लीकेशन पे चलाइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, मोबाइल से चलाते रहे। ये दिक्कत क्या होता है कि एप्लीकेशन वहाँ सोचेगा सब किस पे चलाने के लिए, लैपटॉप पे, उसके लिए वेबसाइट चले जाइए। तो नहीं देखिए, चले अलग बात है, लेकिन वो ना है आपको सक्सेस नहीं हो, फिर करप्ट कर जाएगा आप, समझा गया? क्रोम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप सेफ्टी के लिए आप समझिएगा अनसेफ रहेंगे आप, समझा गया? एक बच्चे ने एप्लीकेशन, जैसे हम लोग की फीस आप देखिएगा बहुत सबसे कंफर्टेबल फीस रहती है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता। अभी देखिए ट्रेड वगैरह रेलवे ALP के वैकेंसी आ रहा है, अभी तो इसको बढ़ाने में लगे हैं, बट ट्रेड का फीस हम लोग कभी भी ज्यादा नहीं लेंगे, नॉर्मली फीस रखते हैं, चाहे एप्लीकेशन हो या उस पर। उसपे भी एक लड़का ना 200 रुपये वाला क्लासवा जाके कोनो एप्लीकेशन पे 150 में खरीदा था, उसका बैंक बैलेंस से खाली कर दिया। वो क्रोम से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम से करो, उसके बाद आ रहा था हमारे पास, हम कहे कोई दिक्कत नहीं, एक बार और करो, हाँ पूरा साफ हो जाएगा। जब हम लोग अपना वेबसाइट एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, तो गूगल को भेजते हैं, 15 दिन तक वो अपने पास रखे रहता है एप्लीकेशन उस प्ले स्टोर का, उसकी पूरी टीम आती है, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करती है, पैन आधार, कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो किसको पकड़ेंगे, ये जिम्मेदार होगा तो किसको पकड़ेंगे। फिर हम लोग से वो लिखित में लेता है कि हम लोग जब भी आप लोग अपना पेमेंट के टाइम पे अपना ATM कार्ड वगैरह नंबर डालते हैं ना, उस सिस्टम पे उसके पास, हम लोग के पास किसी भी तरह का कैसे या मेमोरी नहीं रहता है, कि आप अगर वहाँ अपना पिन कोड डाले ना तो हम लोग को रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है और ना ही सेव हो सकता है, वहाँ से परमानेंटली क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, वहाँ पे डेटा ही नहीं आएगा। जबकि आपका मोबाइल नंबर हम लोग के पास रजिस्टर रहता है, ईमेल आईडी सब चीज़, लेकिन आपका ATM वो सब नहीं है। अब आप जाएंगे क्रोम पे, जाइए आप, जाइए आप टेलीग्राम पे, जाइए और जाइए, रोजगार मिले किसी को।